हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे। और हम जा रहे हैं आज गैरसैंण टू नैनीताल। तो गाइस, हमने टूर मार रखा नैनीताल का। हम आज है 29 तारीख, आज है मार्केट बंद, ऑफ है आज। तो 29 तारीख हर महीने यहाँ मार्केट ऑफ रहता है। तो आज हमने प्लान बनाया कि आज हम जाएंगे नैनीताल। हमें से नैनीताल अजय भी जा रहे नैनीताल, और मैं जा रहा एक, हम दो जा रहे नैनीताल, ये तीन नैनीताल जा रहे। पहली बार नैनीताल, तो इनको आज वहाँ घुमाएंगे, नैनीताल घुमाएंगे इनको। विजय और प्रेम और गोम निकल चुके हैं पहले गाड़ी में, लेकर आ रहे होंगे स्टेशन पे। यहाँ अपनी गाड़ी आ गई है। और ये हम चलन नैनीताल आइए आइए। आज मार्केट है गैसन का ऑफ, जिससे मैंने आपको बताया था 29 तारीख का मार्केट ऑफ रहता है, पूरा बाजार ऑफ है। तो गाइस, हम निकल चुके हैं नैनीताल की ओर। प्रेम जा रहा है गाड़ी, मैं बैठा हूँ साइड से, पीछे बैठाया अजय, मैं चलाऊंगा। यहाँ से नैनीताल है 142 किलोमीटर, यानी कि हमको 142 किलोमीटर जाना है, 142 किलोमीटर आना है, ठीक है। तो गाइस, हम आज ट्रेवलिंग करेंगे 284 किलोमीटर, मतलब अप डाउन हमारा रहेगा ये आने जाने का। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं मैलचोरी, है मैलचोर का मार्केट। यहाँ भी मार्केट ऑफ रहता है, पर कल रहेगा यहाँ मार्केट ऑफ शायद। हाँ, यहाँ मैंने कहा था वहाँ गैस में एक दिन पहले था, 29 तारीख को, 29 को। ये है मैल चोरी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं चौखटिया। चौखटिया भी यानी कि 2 किलोमीटर पीछे हम। यह है चौखटिया के हरे भरे खेत। तो गाइस, हम पूछने वाले हैं चौपटिया, यानी कि 1 किलोमीटर रह गए यहाँ पर से। तो हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, सुबह से केवल हमने एक चाय पी और लग भूख लग चुकी है अब। तो हम सुबह पहले ढूंढेंगे कोई ढाबा या होटल ढूंढेंगे जहाँ पर खाना मिल जाएगा हमको, और हम वहाँ पर नाश्ता भी कर लेंगे। तो करते तब बाकी आपको क्या होता है। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं चौखटा मार्केट। यहाँ से हम निकलेंगे, जो रास्ता जाएगा लेफ्ट को जाएगा वो जाएगा नैनीताल को, नैनीताल रानीखेत को। जो राइट को जाएगा वो जाएगा रामनगर। तो हम पूछने वाले हैं वहाँ पे, ये पुल के बगल में से दो रोड है, जो राइट की तरफ से है वो जाएगा हमारा रामनगर, जो लेफ्ट है वो जाएगा हमारा नैनीताल। हमने यहाँ से लेफ्ट चलना, ठीक है भैया। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं द्वारा, टाइम हो चुका है 8:16 हो गए हैं। तो हम द्वारा पहुंच चुके हैं 1 घंटे में, क्योंकि हम 7:00 हम गैरसन से निकले थे। तो हम पहुंच गए 7:45 निकले हम गैरसन से, 7:45 निकले हम गैरसन। तो हम पहुंच गए यहाँ 8:20। तो अब दिखाता आपको यहाँ से द्वारा का मार्केट, यहाँ से होता है यहाँ से जो हम जाना है, यहाँ से राइट में जाना है, लेफ्ट की तरफ जो जाएगी दुनागिरी तरफ जाएगी। बस जो रोड है दुनागिरी की है, पर दुनागिरी की रोड नहीं, हम जाएंगे नीचे राइट को, नैनीताल हल्द्वानी रानीखेत। रानीखेत की रोड है। अभी थोड़ा मार्केट भी हल्का है, अभी सुबह का माहौल है, अभी दुकानें ओपन हो रही है अभी।
तो गाइस हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हमको भूख लगी है। वहाँ हमको कहीं चौकड़े मांगो, कहीं सारी दुकानें बंद थी और खुली नहीं थी, तो हमको कहीं नाश्ता मिला नहीं। यहाँ भी हमें मार्केट सारा अभी बंद ही है, अभी खुला है नहीं। यहाँ से आएंगे हम राइट नहीं लेफ्ट। आप बताओ कि द्वाराट में फेमस क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, तो दिखाएंगे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है यहाँ द्वाराट में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में और कुमाऊं में, कुमाऊं गढ़वाल में। ये है कॉलेज का एरिया है, कॉलेज एरिया। तो हम आपको ना कॉलेज दिखा नहीं पाए ढंग से, क्योंकि हमने भी ढंग से देखा नहीं। कॉलेज पड़ गया वो साइड, रोड पड़ेगी इस साइड, तो बहुत से कभी ड्रोन लाएंगे और ड्रोन से दिखाएंगे आपको सब कुछ। गाइस तो हमको पराठे कहीं पर मिले नहीं, यहाँ पे मिले हमको राज फास्ट फूड में, यहाँ पे अंकल जी बोले पराठे मिल जाएंगे आपको। गाइस जहाँ पे हम खाना खा रहे ना, वहाँ पर ना पीछे जो बैकग्राउंड है ना, बहुत ही अच्छा व्यू है, मस्त व्यू है, दिखाते हैं आपको। गाइज हमारे नाश्ते आ गए हैं, नाश्ता हमें मिला है हरी चटनी और पराठे और रायता मिला है, नाश्ता करते हैं उसके बाद तब देखते हैं। हाँ प्लस में आलू की सब्जी आ रही है हमको। बहुत टेस्ट बनाया, मजा आ गया है। तो गाइस हमने नाश्ता भी कर दिया है, फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस हम सबने नाश्ता कर लिया है और टाइम हो चुका है 9:53 हो गए हैं और अब निकलते हैं यहाँ से। हम है भी रानीखेत से 2 किलोमीटर पीछे, इसके बाद जस्ट आएगा रानीखेत, तब निकलते हैं, तब बताएंगे आपको आगे आगे क्या होता है, जैसे भी होगा बता देंगे आपको। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रानीखेत में और वो हमें फास्ट में पड़ता है यहाँ पे एयरपोर्ट रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गर्म पानी में, अभी तक मैं सो रखा था, ये भी सब सोए थे पीछे, और गोविंद सो रखा था और प्रेम लगा था गाड़ी चलाने में, ये सुबह से लगा है अभी तक गाड़ी चला रहा है, थकान भी लग रही उसको अभी, तो हम अभी तक सो रखे थे, मस्त उठ गए अभी और सीधा पहुंचे हम गर्म पानी। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, 11 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं गर्म पानी। तो आगे दिखा दे कि आगे आएगा, नेक्स्ट आएगा तो कैंची धाम आएगा, कैंची धाम के बाद भवाली आएगा, भवाली के बाद नैनीताल आएगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भवाली, भवाली का मार्ग दिखाते हैं आपको, ये है भवाली, यहाँ से शुरू होता है।
नैनीताल हाँ सर, तो नैनीताल हम जाएंगे ऊपर को, नीचे वाला रास्ता गया भीमताल को, भीमताल ऑलमोड़ा से। तो गाइस जो आप देख पा रहे होंगे नैनीताल है, हम पहुंच चुके हैं पहले नैनीताल में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बस अड्डा पे, ये है नैनीताल का बस अड्डा। यहाँ से हम लेंगे राइट, क्योंकि हमने ना ताल का घूमना है। गाइस ये है यहाँ पर नैनीताल, आगे हम नैनीताल में ठीक है भाई, और भगवान सो और कुछ नहीं कर। गाइस यहाँ पे है नगर पालिका परिषद टोल ब्रिज पर आपका स्वागत है, यानी कि यहाँ पे आप टोल वसूल करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे आते हैं हमसे बाहर के लोगों से ही टोल देते हैं यहाँ पे जो भी होगा। तो गाइस उनसे हम से ले लें 1900 रुपये टोल टैक्स नगर पालिका की तरफ से, बल ठीक है रूल फॉलो तो करना ही पड़ेगा क्यों। तो गाइस ये आप ताल देख पा रहे हैं यहाँ से, ये पर नैनीताल व्यू। Thank you.
गाइस हम पहले ऊपर इधर जा रहे हैं, यहाँ ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके कोर्ट को देखा हाई कोर्ट है ऊपर, तो हम हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं ऊपर, तो फिर हम बाद में नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करेंगे और वहाँ ऊपर नीचे फिर जेल में जाएंगे, बोर्ड रोड लेके दिखाएंगे आपको कैसा आता है क्या है, चलो देखता है क्या होता है। यह दोस्तों हमारा हाई कोर्ट उत्तराखंड का, आपने सुना ही होगा नैनीताल हाई कोर्ट हमारा, ये हमारा हाई कोर्ट ऊपर दिख रहा होगा आपको, क्या है गाइस, तो यहाँ है पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप, तो हम यहाँ पे पेट्रोल भरते हैं पहले, क्योंकि हमारे गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया है, तो थोड़ा बहुत है बस भर लेते हैं, सही रहेगा। तो गाइस हमने तेल भी भर दिया है, अब जाते हैं हम ऊपर, ऊपर है घूमने की जगह, मतलब सुसाइड पॉइंट है, चाइना पॉइंट है, और ठंडी गुफा है, सात कलर वाली ताल है, और क्या क्या बताए थे वो, कुछ और बता रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो बताएंगे तो क्या क्या है मिलता है, बस दिखाएंगे आपको जो भी दिखने को मिलेगा आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो के लास्ट तक हम आपको क्या क्या दिखाएंगे यहाँ नैनीताल में, क्या क्या है क्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं नैनीताल के ऊपर पहाड़ों में आए आर के हम, तो यहाँ हमको सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट मिला, लव पॉइंट, तो लव सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे, पता करते हैं क्या है सुसाइड पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो आप नैनीताल आए, आप यहाँ पे कैसे लगा आपको? बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा। तो अब घुमाता हूँ मैं इनको, जहाँ जहाँ दिखाएंगे आपको बताते रहेंगे क्या क्या हुआ, और एक ठंडी गुफा है बढ़िया, इसको देखते आगे क्या होता है। तो गाइस ये है लव सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ था, एक अंग्रेज था, यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है बहुत ही अच्छा पहाड़ दिख रहा, सुंदर दृश्य है यहाँ पे, यहाँ का व्यू देखो तुम, व्यू मस्त व्यू है। यह सुसाइड पॉइंट एंड लव पॉइंट, यहाँ पे एक लड़की ना अपना प्यार में यहाँ पे कूद गई थी यहाँ से नीचे, तो यहाँ का नाम उस दिन से सुसाइड पॉइंट, लव सुसाइड पॉइंट। हमारे भाई लोग आर के, भाई से आप कहाँ से आर के? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आए। तो आप पहली बार आए नैनीताल, दूसरी बार? बड़ा अच्छा लग रहा ना पहाड़ों में, है ना, यहाँ का व्यू भी अच्छा है। हाँ जी, ये लोग यहाँ फोटो खींचने के लिए बैठ गए हैं, इनकी फोटो खींचने वाले यहाँ पे लव सुसाइड पॉइंट पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको विशेष बता दूँ क्या है, जो ये पत्थर है ना, पत्थर कैसे और के चिकने और के, ये पत्थर ऐसे क्यों और के है, ये देखो गंदे नहीं और के हो, चिकने और के हो, ये बिल्कुल फिसलने वाले पत्थर है, इसलिए और के कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और जाते रहते हैं, ये पत्थर घिस चुके हैं चल चल के। तो मैं गाइस पहुंच रहा हूँ लव सुसाइड पॉइंट पे, तो हमें भाई बताएंगे कि यहाँ का नाम लव सुसाइड पॉइंट क्यों पड़ा, ये हमारे भाई बताएंगे आपको। देखिए लव पॉइंट तो इसलिए पड़ा, सामने जो आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है जी, उनका बनाया हुआ पॉइंट है 2000 से पहले का, जो लोग आते थे यहाँ पे, पब्लिक नहीं आती थी जी, उसके बाद धीरे 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 उनको देख के पब्लिक भी आने लगी, ठीक हो गया। व्यू तो खैर यहाँ व्यू का एडवांटेज तो था ही, व्यू तो था ही पहले से ही। हाँ जी, व्यू की वजह से लोग पर्यटक आने लगे यहाँ पे, और सुसाइड पॉइंट का मेन कारण यह है कि एकदम यहाँ से गहरी खाई है, डीप है जी, अगर आदमी गिर गया स्लिप हो गया तो सुसाइड होने की संभावना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए रेलिंग वगैरह इसीलिए लगाई है, और बाकी कुछ आप देख पा रहे होंगे। हाँ जी हाँ, बाकी कुछ मुझे सुन मारे यहाँ किसी ने आत्महत्या की थी यहाँ से नीचे, तो ऐसा है ये एक अफवाह है, लोगों ने कह दिया, गाइडों ने कह दिया ऐसा वैसे, मेरे
संज्ञान में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी, और कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे किसी ने कभी सुसाइड किया, ऐसा कोई सुसाइड नहीं किया यहाँ पे। पुराने गाइड लोग कहते हैं ऐसी अवधारणा है, बट ऐसा है नहीं। थैंक यू, वेलकम। हम लोग हैं गैरसन से जी। ठीक, जैसे भाई जी ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे लॉस्ट पॉइंट क्यों पड़ा है, लोग यहाँ पे किस जाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम आ गए नेक्स्ट जगह पे भाई। यहाँ पे कौन सी जगह है? ये खुरपाताल। खुरपाताल एक मिनट है भाई, यहाँ पे कौन सी जगह है? ये खुरपाताल बोलते हैं। खुरपाताल क्यों बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसे बोलते हैं कि पहाड़ों के बीच में एक लेक है जी, तो गाय के पैर के आकार के हिसाब से दिखाई देती है, तो तब खुरपाताल कहते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो जाते हैं आगे देखने। जैसे भाई जी ने बोला यहाँ पे काफी लोग आ रखे हैं, सभी लोग ऐसे आ रखे हैं बस पिकनिक मनाने और घूमने का हमने। तो गाइस ये है खुरपाताल। जो खुरपाताल आप देख पा रहे हैं, ये क्या वो किस क्या बोल रहे किस आकार का खुरपाताल? ये मतलब गाय के पैर की तरफ। हाँ, गाय के पैर की तरफ खुरपाताल बोले जाते हैं। ये है गाइस खुरपाताल, यहाँ से व्यू भी मस्त दिख रहा है। तो गाइस ये हुआ खुरपाताल, जैसा आप देख पा रहे होंगे इसको। जबरदस्त व्यू है यहाँ का। तो गाइस भाई ना आप गाड़ी चलाने में बाजी है कि आप जल्दी चलाओ, मैं थक चुका हूँ, मैं सुबह चला रहा हूँ, तो आप गाड़ी यहाँ से मैं चलाऊंगा। गाइस सबसे पहले लगा लेते हैं हम सीट बेल्ट, जरूरी है क्यों? और गाइस तो यहाँ से हम बैक कर रहे हैं, हजार है हम वापस। आगे आपको जो भी दिखाएंगे हम बता देंगे आपको ब्लॉग में, बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइस अब इनको करना है बल, कहाँ जाना तुम, कहाँ घूमना है तुम? नैनीताल झील में, सबका मन झील में जाने का, चलो घुमाते इनको झील की तरफ। तो अब हम आपको सीधा मिलेंगे सीधा नैनीताल में, और बोटिंग करते हुए तीन चार पांच भाई हम बोटिंग करेंगे। अभी तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़े देर हम बोटिंग करेंगे मस्त वाली। तो बने रहे, पूरी वीडियो देखिए सर हमारी।